वेलकम वेलकम और बैक बैक टू माय चैनल आई एम विद येट अनदर मीशो हॉल वीडियो जिसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो हॉल होने वाला है बहुत ज्यादा ह्यूज होने वाला है और आपको इसकी जो वीडियो थी ना हॉल वीडियो पहले वाली वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी इसलिए मुझे लगा कि पार्ट टू के साथ हमें वापस आना चाहिए और इस बार ट्वेल्व कॉर्ड सेट होने वाले हैं जो कि अंडर बजट होने वाले हैं सारे के सारे मोस्ट ऑफ द जो रहेंगे कॉर्ड सेट ना वो फाइव हंड्रेड के नीचे वाली रेंज में रहने वाले हैं उसमें से एक आधा कोई है जो शायद सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी तक रहने वाला है तो उसके प्राइसेज सबके प्राइसेस बेसिकली मैं सब मैंशन कर दूंगी स्क्रीन पे तो चलिए बहुत ज़्यादा मैंने बकर बकर कर लिया है अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे फेवरेट वन से विच इज गोइंग टू बी एंड अमेजिंग वन ये ब्लैक कलर का प्योर कॉटन में आपको मिल जाता है और इसका जो डिटेलिंग में बात करूंगी ना तो आपको इस तरीके का टॉप मिल जाता है टॉप वेयर मिल जाता है और साथ में इस तरीके का नीचे इसकी तरफ थोड़ा सा घेर मिल जाएगा बहुत क्यूट फीलिंग आ रही थी और है ना इसमें स्लिक लगता है ब्लैक कलर में ऑफकोर्स तो इस तरीके हिसाब से थोड़ा ठीक भी लग रहे थे और डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का आपको नेक मिल जाता है और टाई करने के लिए इसको आप आगे की तरफ पीछे की तरफ कहीं पर भी टाई कर सकते हो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट थी फैब्रिक कॉटन है तो अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट ये रहने वाला है इसमें ना एक दो कलर्स और अवेलेबल हैं तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें साइज दिया था एल और क्योंकि कॉटन है तो श्रिंक होने की थोड़ी थोड़ी सी संभावना मुझे अभी लग रही है तो उस हिसाब से आप आप लोग देख सकते हो तो इस इस टॉप को है ना आप अकेले मतलब कुर्ती भी आप इसको यूज कर सकते हो मुझे ऐसा लगता है तो अभी मैं इसकी वेयर की बात करती हूँ बॉटम वेयर की फिटिंग क्या गजब की आई थी कितना ज़्यादा अमेजिंग मुझे ये लगा इलास्टिकेटेड है एक तरफ आपको पॉकेट मिल जाती है राइट वाली साइड में और पेंसिल वाले जो होता है ना क्या बोलते हैं ट्राउजर उस तरीके की फिटिंग का ये रहने वाला है तो साइज़ आप लोग सोच समझ के लेना क्योंकि कॉटन है और ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पहनना चाहिए इस हिसाब से तो मैंने अपना साइज एक अप करके लिया था तो उस हिसाब से आप लोग भी देख सकते हो इसका प्राइस फोर हंड्रेड समथिंग है तो बहुत ज़्यादा अच्छी डील है ये फोर हंड्रेड के अंदर अगर आप लोग इसको परचेज करते हो अभी मैं चलती हूँ सेकेंड कॉर्ड सेट भी विच इज़ गोइंग टू बी ब्लू और वाइट ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है बहुत ज़्यादा ये वाला प्रिंट बहुत ज़्यादा वायरल है पता नहीं कोई तो टॉप ब्रांड का कॉपी किया हुआ है इन सब ने तो अगर मैं बात करूँ ना इसका इस तरीके का टू पीस मिल जाता है वन जो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा वो इस तरीके का ओपन में मिलेगा आप लोगों को इसके नीचे बेसिकली आपको टैंक टॉप पहनना पड़ेगा मैंने ब्लू कलर का मेरे पास था तो मैंने पहन लिया था अदरवाइज वाइट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे वाला लगेगा इससे बीची वाइप देने वाला काफ़ी सही सा मुझे लगा फैब्रिक अगर मैं बात करूँ ना तो रेऑन वाला फैब्रिक जो होता है ना उस साइड कहीं ना कहीं लाइक करता है तो डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा सही मुझे इस तरीके का लगा प्रिंट काफ़ी कूल सा है और अगर

तो बहुत ज्यादा अच्छा ये लगेगा इसका भी प्राइस आएगी बहुत ज्यादा कम फाइव के नीचे नीचे वाली रेंज में रहने वाला है तो अगर आपको पसंद आता है तो सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ से भी क्लिक करके परचेज कर सकते हो अभी मैं चलती हूँ हमारे थर्ड कॉट सेट पे जो कि अगेन मैं एक बहुत ज्यादा अमेजिंग वाला उठाने वाली हूँ ये बहुत ज्यादा ऐसे वायरल हो रखा है पूरे के पूरे इंस्टाग्राम ये वाला कॉट सेट तो बात करती हूँ मैं इसके ऊपर वाले पोर्शन की तो ये कुछ इस तरीके का लूज लूज़ फिट इसका रहने वाला है और इस तरीके का शर्ट स्टाइल में रहने वाला है और शर्ट के तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो लेंथ इसकी काफ़ी लंबी के साइड रहने वाली है बेसिकली शर्ट से थोड़ा सा लंबे वाली साइड में रहेगा और स्लीव इसकी हाईलाइट मेरे को तो लगी फाइन और इस तरीके की आपको स्लीव मिल जाती हैं बटन्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फैब्रिक मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मतलब सच में मेरे को बहुत ज़्यादा सिंह उसका फैब्रिक लगा बटन्स भी देखना एक बार आप क्वालिटी वाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं इसके आ, फैब्रिक की बात करूँ ना तो समहाउ कॉटन कॉटन ब्लैंड और रेन इस सब का मिक्सचर लगा लो है इस तरीके की साइड में रहने वाला है तो समर अप्रोप्रिएट बेसिकली मैं बोलूँगी कि ये वाला कॉट सेट रहने वाला है इसका बॉटम वेयर की फिटिंग देखना आप लोग इतना प्यारा मुझे लग रहा था नहीं इलास्टिकेटेड वेस्ट है अगेन एक तरफ पॉकेट मिल जाएगी आपको बल्कि दोनों तरफ ही पॉकेट मिलेगी इसकी तो आपको तो प्लाजो वाली स्टाइल में जो होता है ना ब्रॉड वाला तो एक अच्छा सा लुक आप क्रिएट कर सकते हो इस वाले बॉटम वेयर और इस वाले कॉर्ड सेट से तो हील्स के साथ आप इसको वेयर करना अमेजिंग फिट आएगा इसका अभी मैं चलती हूँ थर्ड सेट पर विच इज गोइंग टू बी अगेन फिर से मैं ग्रीन वाले में लेना चाहूँगी तो ग्रीन वाले में अगर मैं बात करूँ ना तो इस तरीके की डिटेलिंग आप लोगों को मिल जाती है आप प्रिंट देख सकते हो फैब्रिक इसका काफ़ी ज़्यादा सही है रेऑन वाली साइड ऑफ़ कोर्स मेरे को बस हल्का सा इसके अगर बटन्स कोई सह सकता है इस तरीके के या कोई और लगा सकता है तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा अगर मैं फिटिंग की बात करूँ ना तो अपना अपने से एक साइज़ अप करके लेना क्योंकि इसकी फिटिंग थोड़ी ऊपर नीचे रह सकती है फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो इससे ज़्यादा अच्छे फैब्रिक वाले मैंने अभी तक जो दिखाए हैं वो रहने वाले है इसका हल्का मुझे लगा कम्पेरेटिवली बहुत हल्का नहीं बट मैंने जब तीन दिखाए हैं उसमें से थोड़ा सा हल्का ये है थ्री फोर्थ स्लीव के साथ आपको ये डिटेलिंग मिल जाती है यहाँ पे बटन स्टिच है पूरा का पूरा और इस तरीके का आपको यहाँ पे कट आउट कर देखिए पठानी सूट पठानी कुर्ता इस तरीके का जो होता है ना वैसी फील आएगी आपको कॉलर वाले में और एक ही बटन है जो कि बंद हो सकता है खुल सकता है बाकी के सब शो के लिए हैं तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये प्रिंट तो काफ़ी कूल सा है कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा तीनों के तीनों तरीके के ग्रीन एक्वा ब्लू इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं इसके बॉटम वियर एकदम वेयर इलास्टिकेटेड है आपको पॉकेट मिल जाती है एक तरफ और आपको फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो फिटिंग आपको कहीं ना कहीं पैंट और प्लाजो के इन बिटवीन जो रहता है ना उस तरीके की फ़िटिंग के साथ आपको ये कॉर्ड uh, सेट मिल जाता है रेंज uh, अगेन वही 500 तक की ही रहने वाली है अभी मैं बात करती हूँ हमारे नेक्स्ट कॉड सेट की विच इज़ गोइंग टू बी अ ब्लू कलर का सबसे पहले मैं आपको इसका प्रिंट दिखा देती हूँ इस प्रिंट का है और साथ में मैं अगर फैब्रिक की बात करूँ तो पोलिएस्टर इसका फैब्रिक है तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो इलास्टिकेटेड है और मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी में बिल्कुल नहीं पहना जा सकता मैं ये चीज़ तो नहीं भूलूंगी पहन सकते हैं बट मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि पॉलिएस्टर है क्योंकि ऐसा होता है रेन और कॉटन और कॉटन ब्लेंड तो फिर भी पहने जा सकते हैं इसका थोड़ा रहता है इशू तो ये इलास्टिकेटेड है अगर मैं बॉटम वेयर की बात करूँ तो बॉटम वेयर आपको मिल जाते हैं पैंट और प्लाजो के इन बिटवीन स्टिचिंग मुझे काफी ज्यादा सही लगी थी इस वाले की जिसकी स्टिचिंग मुझे नहीं लगी थी वो एक सेट है मैं बताऊंगी आपको उसके बारे में इसका सेट का बॉटम वेयर काफी अच्छा लगा मुझे बात करते हैं इसके टॉप वेयर की टॉप वेयर भी जो है ना ये मुझे काफ़ी सही लगा कॉलर वाली स्टाइल में मिलेगा पर नीचे घेर वाला साइड मिलेगा तो दोनों मिक्स कर दिया किसी का मतलब शर्ट स्टाइल में आ गया इसका ऊपर से शर्ट वाली स्टाइल में है नीचे से इस तरीके से आपको फ्लेयर मिल जाता है कमर पे आपको इस तरीके का इलास्टिकेटेड मिल जाता है तो आपको एक इस तरीके का लुक मिलेगा जो कि अच्छा लगेगा और अगर मैं बात करूँ इसका यहाँ पे बटन वाले पोर्शन की तो बटन की क्वालिटी कंपेरेटिवली ठीक है यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बटन मिलेगा जिसको आप खोल और बांध सकते हैं थ्री फोर्थ स्लीव मिलेगी स्लीवस की डिटेलिंग आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो तो ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा टेन नाइन टेन में से नाइन मैं इसको देना चाहूँगी डेफिनेटली तो अभी ये हमारा हमारे पास मुझे गिनती भूल चुकी है मुझे नहीं पता कितनी है अभी मैं चलती हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉट सेट पर जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है एक तो ब्लैक वाला और एक ये ये इतने अमेजिंग क्वालिटी की है ना सबसे पहली बात तो ये कॉटन की क्वालिटी है और क्योंकि मीशो पे हर चीज़ जॉर्जर्ट रेन पॉलीएस्टर इसमें रहती है तो कॉटन की कोई चीज़ मिल जाती है इन बजट तो वो एक ऐसा लगता है कि ऐसा ही मिल गया इस तरीके से तो अगेन ये वाला कलर सबसे पहले तो पेस्टल कलर आई जस्ट लव दिस कलर इतना प्यारा मुझे फिर मिला पोलका डॉट्स के साथ आप लोगों को डिटेलिंग मिल जाती है स्टिचिंग बहुत कमाल की है फिटिंग कमाल की है फैब्रिक कमाल की मतलब ए वन क्वालिटी का मैं बोलूँगी पेंट स्टाइल में आपको पेंट और प्लाजो के इन बिटवीन आपको मिल जाता है बॉटम वेयर इलास्टिकेटेड आपको वेस्ट मिल जाती है एक तरफ पॉकेट भी मिल जाती है तो अगर ये आप लेते हो ना तो इसमें आप बिल्कुल भी नहीं बचताओगे ये बहुत अच्छी डील के साथ आप लोगों को मिल जाएगा और अभी मैं बात करते हो इसके टॉप टॉपवेयर की टॉप टॉपवेयर को आप मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हो तो टॉप कुछ इस तरीके का रहने वाला है कुर्ता स्टाइल में रहने वाला है बेसिकली क्वालिटी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी व्हाइट कलर की बटन्स मिल जाते हैं बटन सिर्फ यही वाला ऊपर वाला जो खुला हुआ है ना यही रहेगा बाकी के सारे सारे स्टिच्ड हैं अब स्लीव्स देखना आप लोग स्लीव्स की क्वालिटी देखना मतलब ए वन मेरे को बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा मेरा मन था मैं इसको लास्ट में दिखाऊं बट मेरे से रुका नहीं गया अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूंगी नीचे वाले पोर्शन में फ्रंट वाला पोर्शन जो है वो आपको इस तरीके का राउंड हेम दिखेगा और पीछे वाला पोर्शन आपको स्क्वायर में दिखेगा तो ये डिटेलिंग और ये पॉलकाडोट्स और ये एम्ब्रॉयडरी आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट इट बहुत ज्यादा प्यारा पीस मुझे ये लगा है तो आप लोग बताना आपको ये पीस कैसा लगा अभी मैं चलती हूँ हमारे ने नेक्स्ट कॉट सेट पे विच इज़ गोइंग टू बी अ येलो कलर का येलो कलर का ये फ्लोरल आ, प्रिंट का रहने वाला है इसका फैब्रिक रेऑन है अगेन तो समर अप्रोप्रिएट है काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल है तो वाइब तो काफ़ी समृद्ध सी है कलर वाला देख के और प्रिंट देख के फिटिंग वाइज भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही आया था प्लाजो स्टाइल में बॉटम वेयर मिल जाएगा गोल्डन की आपको वर्क की थोड़ी सी डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी इलास्टिकेटेड वेस्ट है आपको एक तरफ पॉकेट भी मिल जाती है तो अगेन बॉटम वेयर में कोई कमी नहीं है बहुत अच्छा है फैब्रिक भी आपको इसका काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा फॉर श्योर अभी मैं बात करती हूँ इसके जो टॉप वेयर यानी कि जो शर्ट रहने वाली है वो इस तरीके की रहने वाली है सारी के सारी जो बटन्स हैं वो ओपन अप हो सकते हैं तो कॉलर वाली डिटेलिंग के साथ फैब्रिक मेरे को डिसेंट लगा प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग और बात करती हूँ मैं स्लीव्स की तो स्लीव्स आपको थ्री फोर्थ मिल जाएंगी इस तरीके की डिटेलिंग के साथ यहाँ पे आपको कट की डिटेलिंग मिल जाती है थ्री फोर्थ स्लीव्स है तो अमेजिंग क्वालिटी का मुझे लगा फिटिंग भी अच्छी थी और फैब्रिक भी अच्छा था प्रिंट भी इस तरीके का फ्लोरल फ्लोरल सा है तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो आपको परचेज करना है कि नहीं है अभी मैं बात करती हूँ हमारे नेक्स्ट आइटम की विच इज़ गोइंग तो टू बी मैंने बोला था ना जिसका बॉटम वेयर मुझे नहीं पसंद आया था और फैब्रिक भी इसका मज़ा नहीं आया मुझे इस तरीके का पॉलीस्टर है तो ये स्टिचिंग के साथ ना इसकी स्टिचिंग अच्छी है ना ही इसका फैब्रिक अच्छा है तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते तो थ्री फोर स्लीव्स है इलास्टिकेटेड यहाँ से पोर्शन पे दे रखा है पर फिटिंग वाइज बोल बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया और इलास्टिकेटेड आपको यहाँ पे यहाँ वाले पोर्शन में आपको पीछे वाले पोर्शन से मिलेगी इलास्टिकेटेड वेस्ट तो थोड़ा फिटिंग का रहेगा पीछे वाले पोर्शन से इस तरीके का घेर मिल जाता है बट मेरे को ना संभाव अच्छी नहीं लग रही ये वाली चीज़ तो फिर मैं इसके बारे में क्या ही आप लोगों को बताऊँ तो ये डिटेलिंग के साथ आपको मिलती है ऊपर वाला पोर्शन अभी मैं चलती हूँ इसका बॉटम वेयर जिसकी जो फिटिंग है ना सबसे घटिया फिटिंग है मेरी इन सब के सब कॉट सेट में से ये आप फिटिंग देख सकते हो पता नहीं इन्होंने कौन सा बॉटम वेयर बनाया है बिल्कुल ही नैरो तो ये वाला पोर्शन कर दिया और यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा कर दिया तो आई जस्ट डोंट लाइक इट और इस तरीके का इलास्टिकेटेड वे वेस्ट है तो आप लोग देख सकते हो कैसा आप लोगों को लगा अभी मैं चलती हूँ हमारे ट्वेल्व uh, हैं तो आई जस्ट डोंट नो कौन सा है तो एक ये बड़ा वायरल uh, हो रखा है इंस्टाग्राम पे ये वाले प्रिंट का कॉर्ड सेट ये आई गेस एमेज़न पे भी अवेलेबल है और एक दो जगह और ये कोई ओरिजिनल का है इसका कॉपी किया हुआ है इन्होंने तो फिटिंग वाइज सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसका साइज़ एक अप करके लेना ये है इसकी टिप इस तरीके का नेक आप लोगों को मिल जाता है क्वालिटी वाइज ठीक है और फैब्रिक इसका रेऑन है तो ठीक ठाक सी क्वालिटी का ये रहने वाला है थ्री फोर्थ स्लीव के साथ आप लोगों को मिल जाता है और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल सिंपल है तो फिटिंग वाइज ठीक है फैब्रिक ठीक है कलर देख लेना किस किस को कहीं को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कई लोगों को नहीं पहनते तो उस तरीके का लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे फूल पत्तियों वाला है तो मेरे को डिसेंट लगा और कलर वाई कलर और फिटिंग विटिंग सब सही है पर इसका साइज़ एक अप करके लेना तो उस हिसाब से देख लेना बात रही हूँ इसके बॉटम वेयर की बॉटम वेयर कुछ इस तरीके का प्लाजो स्टाइल में ये आपको मिल जाता है और इलास्टिकेटेड वेस्ट है अगेन पॉकेट नहीं मिलेगी इसकी तो एक पूरा कुर्ता सेट बोल लो कॉर्ड सेट बोल लो आजकल तो सब सेम ही बात हो रुखी है तो ये आपको मिल जाता है कॉर्ड सेट अभी मैं बात करती हूँ नेक्स्ट कॉर्ड सेट की विच इज़ गोइंग टू बी ब्राउन कलर का ये क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका फैब्रिक काफ़ी मजबूत मुझे कंपेरेटिवली लगा और uh, रहता ही रेऑन कॉटन ब्लैंड वाली साइड में रहने वाला है स्लीव काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टाइलिश और यहाँ पे इलास्टिकेटेड लगी मेरे को ये वाले पोर्शन में अगर आप लोग देखोगे तो एम्ब्रॉयडरी है पूरा पोर्शन में मतलब एक क्लीन स्टिच के साथ बोलते हैं ना जिसको कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है स्टिचिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है तो वो वाला मैं बोलना चाहूँगी कि ये है आ, बाकी पूरा का पूरा यहाँ पे आपको स्टिच मिलेगा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक और आप बिल्कुल एक टॉप या कुर्ता टाइप की वाइब इससे ले सकते हो साइड uh, में कट आउट की डिटेलिंग नहीं है नीचे आपको इसके बॉटम वेयर मिल जाएगा जो कि मैं अभी दिखाती हूँ बॉटम पे भी एम्ब्रॉयडरी आप लोगों को मिल जाएगी जैसे टॉप पे इधर है ना वैसे ही बॉटम पे भी आप लोगों को मिल जाएगी तो बॉटम वेयर सेमी लास्टिकेटेड है एक तरफ पॉकेट मिल जाएगी क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है ये वाली मैं बात कर रही थी एम्ब्रॉयडरी की तो ये एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जा प्लाजो स्टाइल में यह बॉटम वेयर रहने वाला है तो काफी ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी का मुझे ये कॉर्ड सेट लगा अभी मैं चलती हूँ सेकेंड लास्ट कार्ड सेट पे विच इज गोइंग टू बी चिकनकारी का कुर्ता बोल लो मतलब ये मशीन वाली ऑफ कोर्स इस रेंज में आपको ओरिजिनल तो नहीं मिल सकती बट क्वालिटी वाइज मुझे काफी ज़्यादा सही लगा रेन फैब्रिक है और साथ में मस्टर्ड कलर इसमें कलर ऑप्शन आपको भर भर के मिल जाएंगे इस तरीके का वर्क आपको देखने को मिल जाएगा इसमें इन्होंने मेरे को डबल एक्सल दे दिया बहुत ही ज्यादा लूज था मैंने एल ऑर्डर किया था बट डबल एक्सल इन्होंने दे दिया पता नहीं कैसे तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी ये वाले पोर्शन पर एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी तो प्रॉपर एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता आप लोगों को मिल जाएगा नी लेंथ तक का इसका आपको लेंथ मिल जाएगी और नेक अगेन आपको इस तरीके का मिल जाएगा तो ओवरऑल मेरे को काफ़ी डिसेंट प्रोडक्ट ये लगा तो कलर ऑप्शन के साथ आप लोगों को मिल जाता है बॉटम वेयर की बात करते हैं बॉटम वेयर जो रहेगा वो प्लाजो स्टाइल में रहेगा तो एक काफ़ी डिसेंट कॉर्ड सेट मैं बोलूँगी या कुर्ता सेट में बोलूँगी कि रहने वाला है तो एम्ब्रॉयडरी आपको नीचे वाले पोर्शन में इस तरीके की मिल जाएगी इलास्टिकेटेड है और साथ में आपको इसकी पॉकेट नहीं मिलेगी तो एक अच्छा डिसेंट कुर्ता सेट आप इसको बना सकते हो बात करती हूँ लास्ट का अगेन ये मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग फिट का लगा था काफी अच्छी इसकी आ, फिट बहुत अच्छी थी इसका प्रिंट मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा था तो टू तो बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरे को काफी जमा मुझे बहुत अच्छा लगा ये आ, इसकी इसलिए थ्री फोर्थ है इस तरीके की डिटेलिंग के साथ मिल जाएगी अगर मैं Uh, यहाँ पे बात करूँ ना तो सारे के सारे जो बटन्स हैं वो स्टिच्ड हैं सिर्फ आपको यहाँ ये वाला जो पोर्शन का जो बटन है ना वही वाला बटन uh, सिर्फ ओपन uh, मतलब ओपन है बाकी के सारे के सारे जो हैं वो स्टिच्ड रहने वाले हैं तो फिटिंग वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा पेस्टल कलर्स का कॉम्बिनेशन है तो उस हिसाब से काफी अच्छा प्रोडक्ट ये रहने वाला है अभी मैं बात कर रही हूँ इसके बॉटम वेयर की जो कॉम्बिनेशन था ना इस कुर्ता पैटर्न के ऊपर जिस तरीके का बॉटम वेयर होना चाहिए था एग्जैक्ट वही बॉटम वेयर था तो प्लाजो स्टाइल में इस तरीके का बॉटम वेयर रहने वाला है इलास्टिक वेस्ट है तो काफी अच्छा पीस ये रखने वाला है मुझे आप लोगों को अगर पसंद आते हैं तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आई होप वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन बाय बाय